तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड टीवी डिवाइसेस जैसे कि मी बॉक्स 4K या मोटरोला एंड्रॉयड टीवी स्टिक को अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे एक डिवाइस के हेल्प से आप अपने एंड्रॉयड टीवी डिवाइसेस को लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करके वो सारे एंड्रॉयड टीवी फीचर्स और एप्स को यूज कर सकते हो और एक ओवरऑल एंड्रॉयड टीवी का एक्सपीरियंस पा सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली स्टार्ट शेयरिंग अवर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हमें एक ऐसे HDMI वीडियो कैप्चर डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे लैपटॉप्स और पीसी में यूजुअली जो HDMI पोर्ट होता है वो इन पोर्ट नहीं होता है, जिस पर हम HDMI केबल को अटैच करके एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू HD कंटेंट को अपने मॉनिटर के स्क्रीन या लैपटॉप के स्क्रीन पर व्यू कर पाए। देयरफॉर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसे HDMI डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ऐसे डिवाइस पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे इस पर आपको 4K रेजोल्यूशन इनपुट सपोर्ट मिलेगा, बट आउटपुट में आपको सिर्फ 1080p या फुल HD तक का ही रेजोल्यूशन मिलेगा। बट मार्केट में बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है जो आपको 4K रेजोल्यूशन आउटपुट का सपोर्ट देते हैं, बट वो डिवाइसेस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और उसके लिए आपके मॉनिटर के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर 4K रेजोल्यूशन का भी सपोर्ट होना चाहिए। ये 10-bit और 12-bit कलर को भी सपोर्ट करता है, और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसे पावर करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपके लैपटॉप या पीसी के पावर को ही यूज करता है। ऐसे डिवाइसेस बहुत ही पोर्टेबल साइज में आते हैं, देयरफॉर ये आपके लैपटॉप और पीसी के साथ बहुत ही इजीली और कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं। इस डिवाइस को हमने अमेज़न से परचेस किया था अराउंड ₹650, बट ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स एंड एट डिफरेंट प्राइस रेंज, तो आप अपने प्रेफरेंस और बजट के हिसाब से डिवाइस को चूज करके परचेस कर सकते हो। जैसा हमने आपको पहले कहा था कि ये वीडियो कैप्चर डिवाइस बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में आता है, और इस पर आपको एक साइड में इनपुट सोर्स मिल जाता है और दूसरे साइड में आपको आउटपुट साइड मिल जाता है। इनपुट सोर्स पर आपको एक फीमेल HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिस पर आप अपने HDMI केबल या डोंगल को अटैच कर सकते हो और अपने कंटेंट को इनपुट कर सकते हो, और दूसरे साइड में आपको एक USB 2.0 मेल पार्ट मिल जाएगा, जिसे आप अपने पीसी या लैपटॉप के USB पोर्ट पर अटैच कर सकते हो या अपने USB हब पर अटैच कर सकते हो और उसी कंटेंट को आउट करा सकते हो। इस डिवाइस को कनेक्ट करना बहुत ही सिंपल और इजी है। तो सबसे पहले हम इस डिवाइस के इनपुट साइड पे जो फीमेल HDMI पोर्ट है उस पर HDMI केबल को कनेक्ट कर लेंगे, फिर उसी HDMI केबल को हम अपने एंड्रॉयड टीवी डिवाइस के HDMI पोर्ट पर अटैच कर देंगे। अब इसके आउटपुट साइड में जो USB 2.0 मेल पार्ट है उसे हम अपने लैपटॉप या पीसी के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर लेंगे। अब हम अपने कंप्यूटर पे चले जाएंगे और ब्राउजर ओपन करके गूगल पर चले जाएंगे। गूगल पे हम सर्च करेंगे पॉट प्लेयर या पॉट प्लेयर फॉर विंडोज 10। तो जो रिजल्ट में आपको पहला लिंक दिखेगा उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पॉट प्लेयर का होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पर आपको दो डाउनलोड रिलेटेड ऑप्शंस दिखेंगे, 32-bit डाउनलोड और 64-bit डाउनलोड। तो आप अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के हिसाब से इस डाउनलोड बटन को क्लिक कीजिए और पॉट प्लेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपको उस डाउनलोड पे क्लिक करके इस पॉट प्लेयर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेना है ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। अब हम पॉट प्लेयर को ओपन कर लेंगे। जैसे ही पॉट प्लेयर ओपन होगा तो हम इसके विंडो को मैक्सिमाइज कर लेंगे या फुल स्क्रीन कर लेंगे। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको पॉट प्लेयर नाम का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके अंदर जाके डिवाइस सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो या एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर स्क्रीन कैप्चर बाय डिफॉल्ट में है तो आपको स्विच करना है एनालॉग टीवी वाले टैब पर। अब एनालॉग टीवी टैब पर आपको सबसे पहले वीडियो कैप्चर डिवाइस सेक्शन पर जाना है और उस पर जो डिवाइस फील्ड है उसके अंदर जाके USB वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। फिर हम उसके नीचे इनपुट टाइप पे आ जाएंगे और इनपुट टाइप पे आपको सिंपली HDMI के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
फिर उसी के साइड में आपको एक फॉर्मेट वाला ऑप्शन मिलेगा। फिर फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाकर आपको आपके स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से हम 1920x1080p60 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ऑडियो कैप्चर डिवाइस वाले सेक्शन पर चले आएंगे और उसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है डिवाइस, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर आपको ऑडियो डिजिटल रिलेटेड एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस डिजिटल ऑडियो इंटरफेस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको बॉटम सेक्शन पर आना है। वहां पर आपको ओपन डिवाइस करके एक बटन मिलेगा, आपको सिंपली उस बटन पर क्लिक करना है। अब आपको अपने मॉनिटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर वही होम पेज या यूजर इंटरफेस दिखेगा जो आपको यूजुअली अपने टीवी स्क्रीन पर दिखता है जब आप अपने एंड्रॉयड टीवी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। तो इसे यूज करने के पहले हम मेक श्योर करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एनेबल है या फिर हम उन्हें एनेबल कर देंगे। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे और सेटिंग्स के अंदर फिर हम डिवाइस प्रेफरेंसेस पर चले जाएंगे। डिवाइस प्रेफरेंसेस पर हम डिस्प्ले वाले सेटिंग को क्लिक करेंगे और फिर उसके अंदर हम डिस्प्ले मोड पर चले जाएंगे। डिस्प्ले मोड के अंदर आपको फिर मेक श्योर करना है कि 1080p या फिर आपके स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से ही यहां पर रेजोल्यूशन सेलेक्टेड है। सिंस हमारा मॉनिटर 1080p को सपोर्ट करता है, तो हम यहाँ पर 1080p को एनेबल करेंगे। फिर इसके बाहर हम कलर डेप्थ सेटिंग्स को ऑन कर लेंगे या फिर मेक श्योर करेंगे कि ये ऑलरेडी ऑन है। फिर हम साउंड रिलेटेड या ऑडियो रिलेटेड सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे और उस सेटिंग्स के अंदर फिर हम डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट को क्लिक करेंगे और उसके अंदर जाकर फिर हम ऑटो को एनेबल कर देंगे और हम अपने डिवाइस को ही डिसाइड करने देंगे कि हमारे लैपटॉप या पीसी के हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑडियो या साउंड फॉर्मेट सूटेबल है। अब जैसे आपको टीवी पर एक्सपीरियंस मिलता है, वही सेम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर भी आपको अपने रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कुछ नेविगेशन करना है, एप्स के बीच में स्विच करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, ये सारी चीजें आपको एंड्रॉयड टीवी बॉक्स या स्टिक के रिमोट कंट्रोल से ही करना पड़ेगा। लैपटॉप या पीसी के कीबोर्ड और माउस से आप इसे यूज नहीं कर पाओगे, सिंस आप इसे एक वीडियो प्लेयर के थ्रू यूज कर रहे हो। अब हम कुछ एप्स को यूज करके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम नेटफ्लिक्स को यूज करेंगे। नेटफ्लिक्स के अंदर जाकर हम कुछ कंटेंट को प्ले करेंगे और प्ले करने के बाद देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें सेम वही टीवी वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल रहा है, वही सेम यूआई भी हमें यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर जो ऑडियो फीचर्स है या ऑडियो सेटिंग्स है हमें वो भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर आपको कोई डॉल्बी डिजिटल या 5.1 रिलेटेड ऑडियो ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि साउंड सेटिंग्स के अंदर हमने ऑटो को सेलेक्ट कर रखा है और उसके हिसाब से हमारे डिवाइस के कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर कोई भी डॉल्बी डिजिटल या 5.1 रिलेटेड ऑडियो ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। और यहां पर अगर हमें मिला भी और हमने उसे एनेबल किया भी तो हमें इस पर से कोई भी साउंड आउटपुट नहीं मिलेगा। अब हम प्राइम वीडियो को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस हमें यहां पर मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमें सेम वही यूआई और एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है जो हमें यूजुअली टीवी पर देखने को मिलता है। जब हमने कोई HDR 10+ कंटेंट को प्ले किया तो हमें कोई कलर रिलेटेड या ब्राइटनेस रिलेटेड इश्यू देखने को नहीं मिला। ये हमारे डिवाइस या हमारे डिस्प्ले मॉनिटर के कैपेबिलिटी के हिसाब से ही कलर और ब्राइटनेस शो कर रहा है। तो आपको HDR 10+ कंटेंट इस पर प्ले करने पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने इस पर डिज्नी हॉटस्टार को भी यूज करके देखा तो इस पर भी हमें सेम यूजर इंटरफेस या सेम एक्सपीरियंस देखने को मिला। जब हमने इस पर कोई एक कंटेंट को प्ले किया और फिर इसके वीडियो सेटिंग्स के अंदर हम चले गए तो यहाँ पर हमें फुल HD या 1080p तक का फुल सपोर्ट देखने को मिला। तो इसका मतलब हम अपने डिस्प्ले रेजोल्यूशन का पूरा एडवांटेज ले पाएंगे। इस पर हमारा YouTube का एक्सपीरियंस भी बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट रहा क्योंकि जब हम YouTube के अंदर जाके एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो को प्ले किया तो इस पर हमें बहुत ही अच्छा वीडियो क्वालिटी देखने को मिला और इस पर हमें कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स या कलर रिलेटेड इश्यूज देखने को नहीं मिला। अगर आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन पर लाइव टीवी चैनल्स देखना पसंद है या आप देखना चाहते हो तो ये पूरा सेटअप आपके बहुत काम में आएगा क्योंकि आप एंड्रॉयड टीवी डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के साथ इस पूरे सेटअप के थ्रू कनेक्ट करके आप लाइव टीवी चैनल एप्स को यूज कर सकते हो और उसके थ्रू आप लाइव चैनल्स अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख सकते हो।
और इसी तरह आपको वैसा ही पूरा एक्सपीरियंस या सेम एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको यूजुअली अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी के साथ अपने एंड्रॉयड टीवी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और वो सारे एंड्रॉयड टीवी एप्स और फीचर्स को यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम पर देखना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। हम फ्यूचर में ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। बट इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।